Police! सर, बॉडी पूरी तरीके से जल चुकी है। ये कुछ लोग हैं जिन्होंने हादसा अपनी आंखों से देखा। हाँ भाई, क्या देखा तुम लोगों ने? जनाब, मैं गड्डी चला रहा थी, वो अचानक मेरी गड्डी के सामने आ गई। और क्या देखा इसने? साहब, मैंने देखा उसे वहां से आ रही थी चलते हुए। वहां से? हाँ साहब, वहां से। जित, पता करो खेत है किसके। यस सर। औरतों को हम देवी का दर्जा देते हैं, लेकिन अफसोस कि ये सिर्फ एक दिखावे की तरह मंदिरों और हमारे पूजा घरों तक ही सीमित रह गया है। औरतों के साथ लगातार हो रही हिंसा इस बात का सबूत है कि देवी कहे जाने वाली हमारी समाज की महिलाएं ऐसे कई दानवों से घिरी हुई हैं जो उनकी जिंदगी को जहन्नुम बना रहे हैं। सरेआम एक औरत को जिंदा जलाकर मार दिया जाता है और कोई उसे बचाने तक नहीं आता। कौन थी ये औरत और क्यों हुआ था उसके साथ ये दिल दहला देने वाला अपराध? कहा चाचा, कहा खबर है इस देश की? अरे बेटा, क्या बताएं इस देश की खबर। वो फरीदपुर है ना, उसमें एक औरत को जिंदा जलाई दिया है। आपने हमारी मोनी को देखा क्या? अरे कहाँ जा रही हो? मैं ब्यूटी पार्लर खुला है, वहाँ जा रही हूँ। अच्छा, मैं भी चलूंगी। अरे बिटिया, ये नया ब्यूटी पार्लर कहाँ खुला है? पल्ली पार खुला है। हमको बताने की, वैसे भी तुम आजकल अपनी मर्जी करने लगी हो। करो अम्मा। रहने दो, कितनी बार कहा है पूछ के जाया करो, पर कोई फायदा नहीं। अम्मा माफ कर दो, नहीं जाएंगे उसके पास। हम तोरी फिकर इसलिए करते हैं क्योंकि हम, रहने दे, क्योंकि हमें तेरी चिंता है। और वो ब्यूटी पार्लर वाली कोई जादूगरनी है का तो तुझे सुंदर बना देगी? तुझे तो समझ में आता नहीं है पैसे खर्च होते हैं। अरे तुझे कहाँ जरूरत है सुंदर बनने की, तो वैसे ही इतनी सुंदर है, तू तो हमारी परी है परी। तुझे ये बात समझ में कहानी? अम्मा माफी मांग रहे हैं ना, नहीं जाएंगे। अरे शंकर भैया। मोनी। अम्मा देखा तुमने, शंकर भैया आए। शंकर भैया। कैसी है मेरी बहन? बहुत अच्छी, आओ बैठो। हाँ, काकी किधर है? काकी, इस रक्षाबंधन पर हम आपको और मोनी को घर ले जाने के लिए आए। वो तो ठीक है शंकर, पर तुम तो जानते ही हो कि इनके जाने के बाद हमने मोनी को अकेले ही पाला है। और जेठ जी का स्वभाव तो तुम जानते ही हो, कितनी जल्दी गुस्सा आता है उनको। हम नहीं चाहते कि हम मोनी को लेकर जाएं और वो मोनी को कुछ कहे और हमें गुस्सा आ जाए, इसलिए हमने तय किया है कि हम नहीं जाएंगे। काकी आप परेशान ना हो, और बाबूजी ने हमको खुद ही भेजा है और मोनी का ध्यान हम खुद रखेंगे, एक लौती बहन है हमारी। ठीक है, तुम इतना कह रहे हो तो हम मोनी को भेज देते हैं, पर हम नहीं जा पाएंगे। हम गए तो फिर दुकान कौन देखेगा? अच्छा आ जा, तुम यहीं रुको, कल सवेरे जाना। ये ठीक है काकी, तू जल्दी सामान बांध चल। साहब मैं करतार सिंह, ये खेत मेरे पियो दे। जब हादसा हुआ था साहब मैं यहीं था,
एक व्यक्ति उस जगह रुकती है और दरवाजा खुला, तीन लोग नीचे उतरे उसमें से। वो औरत चीख पुकार रही थी साहब, जैसे मानो किसी ने उसके मुंह में कपड़ा ठूस रखा हो। इससे पहले मैं उस औरत को बचाने जाता, उस औरत को बुरी तरह से जला चुके थे। तो हाँ भाई करतार, उस गाड़ी का नंबर नंबर याद है तेनू? सब गाड़ी का नंबर तो याद नहीं, पर हाँ एक बंदा था जिसकी भाषा यहाँ से नहीं लग रही थी। नारी बहुत ज्यादा चीज यूपी से लग रही थी, वो यहाँ का तो नहीं लगता। यूपी से लड़की की हड्डियां चार जगह से टूटी और लेफ्ट आर्म में गहरी घाव के निशान, दोनों आंखें निकाली हुई। अच्छा डॉक्टर साहब, इस लड़की की उम्र क्या रही होगी? करीब 20 साल। अभी इंटरनल रिपोर्ट आना बाकी है, वो मैं कल तक आपको भेज देता हूँ। बेटा आ गई। अच्छा किया, बड़ी समझदार है बिटिया। अब ये समझदारी तुम्हारी माँ में होती तो जमीन जायदाद के ऊपर झगड़ा नहीं होता। का जमीन इंसान से बढ़कर होती है, कौन समझा तुम्हारी माँ को? बाबू जी आप भी ना बस पुरानी बातें लेकर बैठ जाते। मोनी तू अम्मा के साथ जा और आके तैयारी कर। ये हमारी तरफ से ले ले। लेकिन देखो इधर उधर खर्च मत करना, आजकल के बच्चे बहुत खर्च करते हैं। सर सर ऑटोप्सी की रिपोर्ट आ गई। क्या फाइंडिंग सर? सर उस लड़की को एड्स था और वो प्रेग्नेंट भी थी। देवेंद्र ने इनकी रिपोर्ट लिख लिया। कहीं उसका खून एड्स की वजह से तो नहीं हुआ? मुमकिन है सर, इन इलाकों में एड्स को एक कलंक माना जाता है। हो सकता है उसकी फैमिली ने शर्मिंदगी से बचने के लिए उसे कत्ल कर दिया। जलाया तो ठीक है, लेकिन इन्हीं बेरहमी नाल क्यों? किसी फैमिली इन्हीं बेरहम किस तरह हो सकती है जी? मुमकिन है सर, इन इलाकों में कुछ भी हो सकता है। मुद्दा ये खड़ा होता है कि कुड़ी नु एड्स हुआ किस तरह? अपने पति तो मिले या फिर गलत ब्लड चढ़ गया? कुछ भी हो सकता है। अब ये तभी पता चलेगा जब लाश की शिनाख्त होगी। अच्छा वो मिसिंग रिपोर्ट आई? रिपोर्ट्स आई हैं सर, लेकिन कोई भी इस बॉडी के साथ मैच नहीं कर रही। दो स्टेट से अभी रिपोर्ट्स आनी बाकी, जैसे ही आते हैं आपको रिपोर्ट कर। मामला कुछ उलझता जा रहा है जी, चल देख दें। हाँ काकी, राधे राधे। काकी हम सोचे मुनिया को पहले बाजार जरा घुमा देते हैं, फिर उसके बाद 2:30 बजे वाली बस पे बैठा दूंगा। हाँ भैया। और नहीं काकी, हम तो नहीं आ पाएंगे, हमको थोड़ा यहाँ पर काम है। और आप वहां से बस अड्डे से उतार लेना। आप चूड़ी खरीदते हैं? हाँ। अरे भैया हमारी मुनिया के लिए चूड़ी दिखाओ ना। बहुत अच्छी, चलो भैया चलें। हाँ। चलो तू 2 मिनट यहाँ रुक, ठीक है? मैं अभी आता हूँ, कुछ काम निपटा के, ठीक है? यहीं रहना। हाँ जल्दी आता हूँ।
तुम यहाँ क्या कर रही हो? हमने बोला था ना कि वहीं खड़ी रहना। हाँ भैया वो मैं। अच्छा चलो अब बस का समय हो रहा है, जल्दी से ये लो तुम्हारे लिए लेके आए, गला सूख रहा था तुम्हारा। हाँ, थैंक यू भैया। चलो जल्दी आओ। काकी जल्दी उतरो, हमें देर हो रही है। अरे भैया हमारी बिटिया आने वाली थी इस बस से। अरे काकी आधा घंटे बाद एक दूसरी बस आएगी, उसमें देख लेना, हो सकता है तुम्हारी बच्ची उसमें आ रही होगी। शंकर का फोन क्यों नहीं लग रहा? एक आदमी ने अपनी पत्नी दीपा गहलोत की मिसिंग रिपोर्ट हरियाणा के गंगुरिया गांव में दर्ज कराई। ये केस सर वो जली हुई लड़की का केस आपस में कुछ मिलते जुलते से, और वो अपनी वोटी की शिनाख्त के लिए कल यहाँ आ रहा है। अब मामला सुलझ रहा है। हाँ जी इंस्पेक्टर साहब, मेरी वोटी है जी, इसनु घर ले जाओ संस्कार वास्ते। देखिए देवेंद्र जी, आप घबराइए मत, बिल्कुल ले जा सकते हैं, लेकिन उससे पहले आपको हमारे कुछ सवालों के जवाब देने होंगे, कुछ फॉर्मेलिटी। दीपा कुछ दिनों पहले लापता हो गई, एक साल पहले सड़ी मुलाकात हुई, तब उदय हालात और हालत दोनों बहुत खराब थी। घरों में जा जाकर काम करती थी, यही कपड़े शपड़े धोना बर्तन, फिर हमें प्यार हो गया जी, हमने ब्याह कर लिया। कोई घर वाले रिश्तेदार जानते हो तुम? दीपा ने कभी अपने घर वालों के बारे में नहीं दस्ते जी, बस इतना पता है कि वो यूपी की थी और झगड़ा छोड़ करके भागी थी। यूपी की थी? तुम कहते हो तुम उसे बहुत प्यार करते हो, वो चार महीने से प्रेग्नेंट थी, तुम्हें इस बात का पता नहीं था? वो प्रेग्नेंट ही नहीं, एचआईवी पॉजिटिव भी थी। ठीक है ठीक है, आप अभी जाइए, जरूरत पड़े तो हम आपको फिर बुलाएंगे। अच्छा जी, सत श्री अकाल। जीत मुझे इस आदमी पे शक है, इसके फोन रिकॉर्ड मंगाओ। सर शाम तक रिपोर्ट्स आ जाएंगे, लेकिन सर अब तक इस मामले में जितने भी सबूत और सुराग मिले हैं, मुझे ये मामला ऑनर किलिंग का लग रहा है। हो सकता है दीपा के घरवालों को उसकी बीमारी का पता चल गया और शर्मिंदगी से बचने के लिए उन्होंने उसे कत्ल कर दिया। आपको क्या लगता है सर? तुम्हारा शक सही भी हो सकता है, लेकिन पहले इस देवेंद्र के बारे में पता लगाओ। एक औरत की निर्मम हत्या के केस को हैंडल कर रही पंजाब पुलिस मौत की इस कुत्ती को सुलझाने की पूरी कोशिश कर रही थी। मरने वाली औरत की शिनाख्त दीपा गहलोत के तौर पर हो चुकी थी, जो उत्तर प्रदेश की रहने वाली थी। दीपा का पति देवेंद्र भी पुलिस की रडार में था, लेकिन इस केस के चौंकाने वाले हर खुलासे के बीच में उत्तर प्रदेश का नाम एक कॉमन लिंक की तरह सामने आया था, इसलिए उत्तर प्रदेश में भी पुलिस लड़कियों के गायब होने की शिकायतों पर छानबीन कर रही थी।
अक्सर लड़कियों की हत्या या गायब होने के पीछे ऑनर किलिंग, दहेज या फिर प्रॉपर्टी जैसे कारण होते हैं। क्या इन दोनों केसेस के पीछे भी ऐसा ही कोई कारण था या फिर ये मामला कुछ और ही था? ये मोनी दिखने में सुंदर है। हाँ सर, ऐसा भी हो सकता है कि प्यार मोहब्बत का चक्कर हो, कोई उसे भगा के लेके गया होगा। हम ये मान ले कि कोई उसे उठा के लेके गया है या वो खुद किसी के साथ भागी है। गोविंद, हमें ध्यान में रखना होगा कि उसकी माँ का शक किसके ऊपर है। सर, लड़की की माँ रामदेवी का शक जेठ गणेश पर है। इसकी वजह भी है, दोनों में प्रॉपर्टी को लेकर अक्सर भयंकर झगड़े होते थे। इसका मतलब ये हुआ कि मोनी के गायब होने से सबसे ज्यादा फायदा बाप बेटे को जाता है। राइट सर। पर शंकर के मुताबिक उसने मोनी को बस में चढ़ा दिया था। बिल्कुल। तो बात की शुरुआत वहीं से होती है और मोनी के बस से उतरने पर खत्म। यस सर। साहब, ये देवेंद्र आदमी तो ठीक है लेकिन इसकी कुछ आदतें बुरी हैं। शराब पीता है, घर पे देर रात से लोगों का आना जाना लगा रहता है। एक बार उसका तो एक औरत को देखा गया तो पता चला कि वो उसकी बीवी है। बेचारी कहाँ फंसे। हम तो ठहरे पड़ोसी कुछ बोल भी नहीं सकते। कभी कोई बात हुई आपकी? कुछ बताया उसने कहाँ से है? एक बार उसने बताया था कि वो यूपी के गांव हरफुआ से आई है। बस इतना ही। हरफुआ साहब, बस तो सीधी हरफुआ आके रुकी। और साहब, जापनगर हरफुआ के बीच की दूरी 17-18 किलोमीटर पाई साहब। और पहला बस स्टॉप भी हरफुआ है साहब। उस दिन वहाँ पर वो महिला किसी के आने का इंतजार भी कर रही थी साहब, और उसने उसे पूरी बस में ढूंढा भी था साहब। ठीक है, अब जाइए, जरूरत पड़ी तो आपको दोबारा बुला लेंगे। गोविंद, अगर मोनी ने बस पकड़ी और रामदेवी ने गांव में उसको चेक किया, फिर वो गायब कैसे हुई? सर, ये बात मुझे समझ में नहीं आ रही। पत्तों की सरसराहट के बिना इतनी आसानी से किसी का अपहरण कैसे हो सकता है? और अगर हलचल हुई थी तो गवाह कैसे नहीं हो सकता? ऐसा तब हो सकता है जब उसे अगवा करने वाला उसका परिचित हो। शंकर, क्या तुमने किसी को देखा था जो उसका पीछा कर रहा हो? नहीं साहब, वहां और कोई नहीं था। मोनी पहले हमारे साथ ही थी और फिर बस पे। तुम्हारे पिताजी कहां मिलेंगे? बाबूजी, मोनी को आपने कहां छुपा कर रखा है? मोनी गायब हो गई है। वो बस से आप ही ने उसे उठवाया है। इतने मासूम मत बनिए। क्या बकवास कर रहा है? पगला गए होगा? पगलाए नहीं है हम। पूछताछ की थी पुलिस ने हमसे, लेकिन हमने उनको ये नहीं बताया कि आप हमारा और मोनी का पीछा कर रहे थे। और आपको क्या लगता है, पुलिस को आज नहीं तो कल इस बात का पता चल ही जाएगा? बाबूजी, देखिए, हम आपसे फिर से कह रहे हैं, मोनी को आपने जहाँ कहीं भी छुपा कर रखा है वापस बुला लीजिए। बात अभी इतनी नहीं बिगड़ी। अरे, तो सचमुच पगला गया है। नाटक मत करिए, दुश्मनी में आप अंधे हो गए। मोनी को वापस बुला लीजिए, नहीं तो आप जेल के पीछे होंगे। कहाँ बे? मैं जेल के पीछे होऊंगा? नालायक, निकल मेरे घर से, निकल मेरे घर से। अरे बाप पे इल्जाम लगाता है, निकल। जा रहे हैं हम, लेकिन मोनी का पता लगाए बिना हम शांत नहीं बैठेंगे। छुपा लीजिए जहां छुपाना हो उसको। देखिए, हमें शक है कि किसी पहचान वाले ने मोनी को अगवा किया है। फिर आपकी दुश्मनी भी तो थी उसकी माँ के साथ। कोनो दुश्मनी नहीं थी साहब, परिवारों में तो झगड़ा होता रहता है। 5 जनवरी के दिन 2 से 5 के बीच अब कहाँ थे, क्या कर रहे? जी, मैं अपने घर में सो रहा था। हमारी घरवाली से पूछ लो। जाइए आप। गोविंद सर, ये आदमी को छुपा रहा है, इसकी लोकेशन हमको जानना जरूरी है। चेक करो इसको। चलो। राइट सर। बहुत बहुत शुक्रिया सर। सर सर, देवेंद्र के पड़ोसियों से बात करके मुझे पता चला है कि वो एक नंबर का शराबी और अय्याश किस्म का आदमी था। उसकी शादी करके बाप बनने की बहुत इच्छा थी, लेकिन कोई उसे अपनी बेटी देने को तैयार ही नहीं था। सर, मुझे लगता है उसने दीपा को कहीं ना कहीं से खरीदा था, या तो किसी कोठे से या फिर कहीं और से। वो दीपा को ब्याह कर घर जरूर लाया था,
लेकिन जैसा उसने बताया वैसा प्यार व्यार का कोई चक्कर मुझे नहीं लग रहा है। पुलिस की तहकीकात जैसे जैसे आगे बढ़ती जा रही थी, दीपा का केस वैसे वैसे उलझता जा रहा था। आखिर कौन थी दीपा और क्यों उसे इतनी बेरहमी से मार दिया गया था? पंजाब और हरियाणा में लड़के और लड़की के बीच में बढ़ता अंतर जेंडर बैलेंस के सामाजिक ताने बाने को बिगाड़ रहा है। साल 2012 के एक सरकारी आंकड़े के अनुसार हरियाणा में हर 1000 लड़कों की तुलना में मात्र 883 लड़कियां हैं और यही आंकड़ा पंजाब में 863 का है। और यही वजह है कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग से जुड़े लोग इन इलाकों को एक बाजार की तरह देखते हैं। पुलिस की तहकीकात इस बात की तरफ इशारा कर रही थी कि दीपा को यूपी से पंजाब लाया गया था और अब मोनी भी उसी जगह से अचानक गायब हो चुकी थी। तो क्या दीपा की हत्या और मोनी की गुमशुदगी के बीच कोई कॉमन लिंक था? मोनी का कुछ पता चला? हम पूछताछ कर रहे हैं सर। कॉल रिकॉर्ड्स के मुताबिक गणेश त्यागी भी उस वक्त उसी बाजार में था जहां शंकर था। देखिए सर, आप झूठ बोल रहे हैं। हम जानते थे सर, गणेश एक कमीना आदमी, उसी ने मेरी बच्ची को अगवा किया है सर। तुम्हें मालूम था? जी सर। पर हम क्या करते? हमारा बाप है। नहीं मुंह से, आप समझ रहे ना साहब। तुम्हें पता है ऐसा करना अपराध है? ये हमारे लिए बहुत मुश्किल फैसला था साहब, बहन और बाप के बीच में उलझ गए थे। हाँ हम गए थे बाजार, लेकिन हम मोनिका नहीं शंकरवा का पीछा कर रहे थे। काहे कि शंकरवा को जुआ खेलने का आदत लग गया है, बहुत कर्जा उधार ले लिया है। तो हमसे ई कहकर पैसा उधार लिया कि हमको किसी का कर्जा चुकाना है। तो हम ई लिए उसका पीछा कर रहे थे कि कहीं फिर से जुआ में ना हार जाए। फिर हमको वो बाजार में मिला, हमको रसीद भी दिया पैसों का। दो दिन से लापता है मेरी बेटी, कुछ भी पता नहीं है उसका। बोलो क्या किया तुमने उसके साथ, बताओ। मैं जो भी चाहिए ले लो, मेरी बच्ची मुझे वापस कर दो। कब पगला गई होगा बहू है? हमने कछु नहीं किया तुम्हारी बिटिया के साथ। अरे हम तो खुद ही अपने भाई के परिवार के साथ रिश्ता जोड़ना चाहते हैं, इसलिए हम उनको राखी पे बुलवाए थे। देखो मेरी बच्ची मुझे वापस कर दो, मेरी बच्ची मुझे वापस कर दो। देखो बहू, हम अपने भाई और तुम्हारे मरे हुए सुहाग की सोगन खा के कहते हैं हम बेकसूर हैं, हमने कछु नहीं किया। बहन जी आप उठिए, अगर गणेश ने मोनी को अगवा किया है तो बच नहीं सकता। आप जाइए, आपके साथ कुछ गलत नहीं होगा, जाइए आप। हाँ भाई देवेंद्र बोल। सर जी मैंने उसे कोटे से खरीदा जरूर था, क्योंकि कोई भी मुझे अपनी लड़की देने को तैयार नहीं था और मुझे अपना बच्चा चाहिए था। और जब मैं एक बार कोटे पर गया तो किसी ने मुझे बताया कि मैं वहाँ से शादी के लिए लड़की खरीद सकता हूँ। और तू खरीद लाया क्यों? साहब जी एक बार पहले भी मैं दीपा मिल लिया सी, वो मैनू पसंद थी। साहब जी मैंने उसे कोटे से खरीदा जरूर था पर ब्याह क्या लाया था। हाँ हाँ तू तो बहुत शरीफ बंदा है, चल बता किस कोटे से खरीद कर लाया था उसे। जी वो बोल। पिंकी मैडम से लाया। चलो निकालो सबको निकालो। भाभी मोनिका कुछ पता चला? नहीं, हम अभी पुलिस स्टेशन से ही आ रहे हैं, 3 दिन हो गए हैं, हमारी बच्ची के बारे में कोई खबर नहीं। आपको कुछ बताना था मुझे। हो गया बेटा। दीदी हमको आपका फोन मिलेगा, बहुत जरूरी मैसेज करना है। हाँ हाँ क्यों नहीं, ये लो मेरा फोन। क्या लिखा है संदेश में, हमको पढ़ के सुनाओगी? वो तो मोनी ने उसी दिन डिलीट कर दिया था। हाँ इंस्पेक्टर साहब, हम मोनी की माँ बोल रहे हैं। जी बोलिए। हाँ, वो ब्यूटी पार्लर वाली, हाँ वो बता रही थी कि मोनी ने उसके फोन से किसी को संदेशा भेजा था। उसका नंबर है आपके पास? हाँ उसका नंबर है हमारे पास। मैं चेक करवाता हूँ, ये मैसेज वाला नंबर चेक करवाओ। सर अब तक शक गणेश पे ही है, क्योंकि गणेश के पास मोनी को कत्ल करने की वजह भी थी और उसने भाई बहन का पीछा भी किया था बाजार में। अब सर ऐसा भी हो सकता है कि शंकर मोनी को बस में चढ़ा के वहाँ से निकल गया, फिर गणेश आया, गणेश ने खिड़की से इशारा करके मोनी को बस से उतरवाया और वहाँ से निकल पड़ा, जिसकी भनक ड्राइवर को भी नहीं लगी होगी। बिल्कुल हो सकता है, हम दोनों को शक के घेरे में लेते हैं, तुम उनके ऊपर नजर रखो। यस सर। ओ मैडम जी आपको यहाँ सारी सहूलतें नहीं मिलेंगी, लेकिन हाँ जितनी जल्दी आप अपना मुंह खोलेंगी उतनी जल्दी आप अपने घर वापस जा सकती हैं, वरना हमें और भी तरीके आते हैं बात उगवाने के, समझिए आप। इस केस की तहकीकात में जुटी पंजाब पुलिस को एक बड़ा ब्रेक थ्रू तब मिला
जब उनके हाथ पिंकी तक पहुंचे, वो पिंकी जिसने देवेंद्र के साथ दीपा का सौदा किया था। पिंकी उसी कोठे को चलाती थी जहां पर दीपा को रखा गया था। ऐसे में पिंकी इस केस की एक अहम कड़ी थी, लेकिन पिंकी ने अपनी जुबान पर ताला लगा लिया था और पुलिस को हर हाल में इस ताले की चाबी ढूंढनी थी, इसलिए उन्होंने पिंकी की जड़ों को खोदना शुरू कर दिया। उधर मोनी की तलाश में जुटी यूपी पुलिस ने भी अपना सारा फोकस शंकर और गणेश पर शिफ्ट कर दिया था, क्योंकि आखिरी बार मोनी शंकर के साथ ही थी। और फिर अचानक इस पूरी घटना में हरी सिंह का नाम आया। कौन था यह हरी सिंह जिसे मोनी ने मैसेज किया था? मोनी के साथ क्या रिश्ता था इस हरी सिंह का? गोविंद। यस सर। ट्विंकल के फोन से मोनी ने किसी हरी सिंह को मैसेज किया था। मैं लगातार फोन किया जा रहा हूँ, कोई जवाब नहीं दे रहा। आप पूछताछ कीजिए, कौन है वो? जी सर। सर मैं शंकर पे नजर रख रहा हूँ। सर, पिंकी की एक कमजोरी मिल गई है सर। उसकी एक कुड़ी है सर, और उसे उसने अपनी दुनिया से हमेशा अलग रखा है। और उसी कुड़ी की शादी अब एक NRI फैमिली में हुई है, और उसके दामाद की फैमिली उसकी असलियत से बिल्कुल वाकिफ नहीं है। वेरी गुड। ये जगह क्यों, क्या हुआ इस जगह को? जानी पहचानी से लग रही होगी। गाड़ी रोकिए प्लीज, गाड़ी रोकिए। पहचानेगी क्यों नहीं सर, बेटी का ससुराल जो ठहरा। मैं आप लोगों के हाथ पैर जोड़ती हूँ, आप जो कुछ जानना चाहते हैं मैं बताने को तैयार हूँ। गाड़ी रोकिए। क्यों, अपनी बेटी की बारी आई तो हाथ जोड़ के सब मंजूर है। उन बेटियों का क्या जो तुम्हारी वजह से मरी है, कभी सोचा है उनके बारे में? आप लोग जो कुछ जानना चाहते हैं मैं बताने के लिए तैयार हूँ। हमने ही अगवा किया था दीपा को, हरपुआ की थी वो। और कौन कौन था तुम्हारे साथ? मेरे साथ दो और लोग हैं जो गरीब लड़कियों को ढूंढने और उन्हें अगवा करने में मेरी मदद करते हैं। हम ज़्यादातर ऐसी लड़कियों को शिकार बनाते हैं जो गरीब घर से होती है, जिनके घर में भाई बाप या कोई देखभाल करने वाला नहीं होता। दीपा को किसने मारा? हमने उसे दूसरे कोठे को भेज दिया। और क्यों? क्योंकि कुंवारी लड़कियों की ज़्यादा कीमत मिलती है, वो लोग उन्हें एड्स से पीड़ित मर्दों को बेच देते हैं। क्या? हाँ साहब, वो लोग मानते हैं कि कुंवारी लड़की के साथ सोने से उनका मर्ज चला जाएगा। ये सब कब होता है? जब मांग होती है तब। वो तो उस दीपा की किस्मत खराब थी, उस वक्त आई जब डिमांड थी। किस्मत दीपा की खराब नहीं थी, खराब तुम लोग हो। दीपा को किसने जलाया? मुझे नहीं मालूम। मुझे तो ये भी नहीं पता कि उसका सौदा किन हाथों से हुआ है। और वैसे भी इस सौदे में जो लोग होते हैं वो सामने थोड़ी आते हैं कभी। सर जो मैं देख के आ रहा हूँ उस पर तो मेरी आंखों को भी यकीन नहीं हो रहा है। शंकर के साथ जिस लड़की को मैंने देखा था वो लड़की मोनी नहीं, मोनी जैसे दिखती कोई और लड़की थी, इसका नाम है ज्योति, शंकर की गर्लफ्रेंड। और आज उसने 15,000 का सोने का नेकलेस खरीदा। जब मैंने सुनार से पूछताछ की तो उसने मुझे बताया कि वो ये नेकलेस काफी दिनों से खरीदना चाह रही थी, यहाँ तक कि EMI पे भी। अब जरा सोचिए सर, जिस लड़की के अकाउंट में कल तक 1500 रुपये भी नहीं था, आज उसने नगद 15,000 रुपये देके वो नेकलेस खरीद के घर लेके गई। ये देखिए लड़की की फोटो। मुझे यहाँ पे क्यों लेके आया गया साहब? सुना है तुमने एक बड़ा सौदा किया है। सौदा मतलब? मतलब ये, इतने सारे पैसे कहाँ से आए तुम्हारे पास? बहुत सौदेबाजी चल रही है आजकल। नहीं साहब, कैसी सौदेबाजी? ये तो तुम बताओगे हमें। साहब मैंने कुछ नहीं किया साहब। चुप, जिसने किया उसी का नाम बता दो, बोलो। साहब मैंने कुछ नहीं किया, ये सब मेरा प्लान शंकर का था। उसी ने मोनी को बेहोशी की दवाई वाला ठंडा पिलाया था। हम उसे एक पुराने मकान में लेके चले गए थे, वो ट्रक ड्राइवर किशन वो वहीं पे मौजूद था साहब। दिल खुश कर दिया। पैसा देना। कपड़े तो बदल ले इसके। किशन के साथ भेजने से पहले
उसके कपड़े मैंने पहन लिए। ट्रक ड्राइवर किशन उसे कहाँ लेके जाने वाला था? मुझे नहीं पता साहब, फिर शंकर ने मुझे बस में बिठा दिया। मोनिका क्या हुआ मुझे कुछ नहीं पता साहब, मेरी कोई गलती नहीं है साहब, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे जाने दीजिए। चेक करो उधर। चलो बस अब हुआ का। वो मिला? शंकर कहाँ है? कहाँ है शंकर? देखिए दरोगा बाबू, हमने उनको अपने घर से दो दिन पहले ही निकाल दिया। कमीना निकला आपका सपूत, ये सब उसी का किया था रहा है। अब तो आपको यकीन हो गया ना कि मोनी के अगवा होने में हमारा कोनो हाथ नहीं है। देखो दरोगा साहब, ये हमारी बदकिस्मती है कि वो हमारा बेटा है, नालायक है, कमीना है। कहाँ मिलेगा वो? अक्सर लोग अपने लालच और स्वार्थ में अपनों और अपने रिश्तों का गला घोट देते हैं। शंकर रिश्ते में मोनी का भाई था, मोनी ने भी अपने भाई की कलाई पर राखी बांधी थी, लेकिन पैसों के लालच ने शंकर के जमीर को इतना गिरा दिया था कि रिश्ते और राखी की रस्म दोनों को ही उसने लालच की आग में झोंक दिया था। फरार शंकर के साथ पुलिस ने अब उस ट्रक और ट्रक ड्राइवर को ढूंढने के लिए बनारस और जयपुर तक के टोल नाकों को खंगाल डाला। पुलिस का शक अब यकीन में बदल गया था कि मोनी का गायब होना कोई सामान्य अपहरण या किसी प्रेम प्रसंग का मामला नहीं था, बल्कि मोनी ह्यूमन ट्रैफिकिंग के शिकंजे में फंस चुकी थी। बता अपने राम कहानी क्या है? नहीं तो यहां हम जितना घसीटते हैं ना उतना मारते भी हैं। साहब, मैंने 25,000 रुपए दिए थे उस लड़की के लिए, शंकर को। अरे सुन, कहां जा रही है? लेकिन वो लड़की मुझे हाथ तक लगाने नहीं देती थी, इसलिए मैंने तंग आकर शंकर को फोन लगाया था। देख किशन, पैसे तो अभी मेरे पास नहीं। पैसा नहीं है मतलब? मैं इस लड़की का घर हूँ, तुमको नहीं चाहिए, कुछ कर रहा हूँ। हेलो, हाँ सुनना यार, एक A1 माल हाथ लगाया, पिंकी मैडम की देखी हुई है। देख, डील आज रात में करवा दे, हरपुआ से है, मोनी नाम है। और सुन, इस बार हमारा कट 15,000 होगा। सब मुझे कोई आइडिया नहीं, वो छोकरिया को कहाँ लेके गए, इतना मालूम है वो लोग कोई पिंकी मैडम का नाम ले रहे थे। और साहब, जो आदमी आए थे उन लोग पंजाब के लग रहे थे साहब, बस बाकी और मुझे कुछ नहीं मालूम साहब। सर, किशन ने मुझे सब कुछ बता दिया, वो किसी पिंकी मैडम के बारे में बात कर रहा था। जी सर, हमें जल्द से जल्द इस पिंकी मैडम के बारे में पता करना होगा, और साथ ही मैं मोनी की तस्वीर पंजाब और हरियाणा पुलिस स्टेशन भिजवाता हूँ। ओके सर। सर, हरपुरा से एक लड़की की मिसिंग रिपोर्ट आई है, अर्जेंट व्हाट्सअप आया सर, और इसी केस में पिंकी की भी इंक्वायरी आई है। क्या जानती हो इस लड़की को तुम? इसे मैंने एक ब्यूटी पार्लर में देखा था, देखते ही लगा था कि इसकी अच्छी खासी कीमत मिल सकती है। इंक्वायरी लगाई थी मैंने, पता चला मेरे ही एक लड़के की बहन है। मैंने छोड़ दिया था, लेकिन उसके भाई ने नहीं छोड़ा, ट्रक ड्राइवर को बेच दिया, डायरेक्ट पैसा बनाना था। बाद में आ गया लाइन पर, याद किया मुझे, भेजे थे मैंने अपने लड़के इसे उठाने के लिए। अब कहाँ है लड़की? वही जहाँ दीपा को भेजा था। सर, पंजाब से फोन आया, उन्हें मोनी की कोई खबर मिली है, प्लीज। हेलो, गुड मॉर्निंग मिस्टर राम। गुड मॉर्निंग, मैं हर सिंह बोल रहा हूँ, फरीदपुर पंजाब से। जी, आपके जिले से अगवा की गई लड़की मोनी को उसके भाई शंकर ने किसी पिंकी नाम की औरत को भेज दिया, फिर पिंकी ने उसी लड़की को किसी कोठे वाली को भेज दिया। वो लोग कुंवारी लड़कियों को एड्स से पीड़ित अमीर लोगों को सप्लाई करते हैं। उनका मानना ये है कि कुंवारी लड़कियों के संपर्क में आने से उनकी एड्स की बीमारी ठीक हो सकती है। और ये कोटा कहाँ है? ये कोटा हमें भी नहीं पता कहाँ है, ना ही पिंकी को पता है। ये कोटा यूपी से लेके पंजाब तक कहीं पे भी हो सकता है। इंस्पेक्टर हर्ष, हमें किसी भी हालत में उसको ढूंढना होगा और उस लड़की को वहां से बचाना होगा। एग्जैक्टली इंस्पेक्टर राम, हम दीपा को तो नहीं बचा सके, लेकिन हाँ, मोनी की जिंदगी खराब होने से पहले हम उसे जरूर बचाएं। जय हिंद। साहब, साहब, हमें शंकर के बारे में मालूम हुआ,
क्या ये सही है कि उसने हमारी मोनी को बेच दिया? देखिए, हमारे हाथ को सुराग लगे हैं, हम मोनी तक बहुत जल्द पहुंच जाएंगे, आपकी बेटी मिल जाएगी। हाँ ठीक है, हम तब तक यहाँ से नहीं जाएंगे जब तक हमारी बच्ची की कोई खबर नहीं मिल जाती हमें। हम नहीं जाएंगे साहब। सुनो सर, ये चाय या कॉफी कुछ पिला दो। हेलो। हेलो इंस्पेक्टर राम जी, हमें खबर मिली है कि कोई नई लड़की किसी कोठे पे आई है। इसको मुंबई के किसी बड़े सेट के लिए रखा गया है, तो खूबसूरत और कुंवारी भी है। हम लोग रेड की प्लानिंग कर रहे हैं। हम यहाँ से फौरन निकलते हैं। जी बिल्कुल, लगता है आपकी बेटी हमको मिल जाएगी, आप भी चलिए। हर्ष शर्मा, पंजाब पुलिस। इंस्पेक्टर राम, हम लोग बिल्कुल तैयार हैं, लेट्स मूव। अकेली मिला मिला नहीं क्या? अभी से माल चाहिए। अरे सर, दो सर क्या देखता है, कुछ चाहिए क्या? अरे सर ये देख, एकदम राक्षिक माल है। मैं क्या बोल रहा भाई, एकदम कोई कुंवारी कली निकल दिलाना, एकदम मस्त 16-17 साल की, एकदम मजा आ जाए। क्या सेठ रंगीला लगता है तू तो एकदम। चलो एल्गिन। हाय, अपना हिस्सा देना। ले, ए, तुम दोनों जाओ, लड़की को लेके आओ। Let's go. सर ये हरी सिंह, मोनी ने इसी को मैसेज किया था। सर मैं मोनी का दोस्त हूँ, मुझे शंकर का पता मालूम है। दरोगा साहब, ले आओ उसको। दीपा की हत्या और मोनी की गुमशुदगी के केस की तहकीकात की वजह से लड़कियों की खरीद फरोख्त, वेश्यावृत्ति से जुड़े कारोबार और कई गुनहगार कानून की गिरफ्त में आए। दीपा गहलोत की हत्या के पीछे उसका पति देवेंद्र गुनहगार साबित हुआ। देवेंद्र के बयान के मुताबिक वो एड्स से पीड़ित था और उसे दीपा से एक बच्चा चाहिए था। देवेंद्र को अपनी पत्नी की हत्या करवाने के जुर्म में IPC की धारा 120B और 302 के तहत उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। शंकर और ज्योति को मोनी के अपहरण और उसे बेचने के जुर्म में IPC की धारा 362, 363 और 372 के तहत 10 साल की सजा सुनाई गई है। किशन को एक नाबालिग लड़की को खरीदने के जुर्म में IPC की धारा 354 और 366 के तहत 7 साल की सजा सुनाई गई और पिंकी को लड़की की खरीद फरोख्त के जुर्म में IPC की धारा 372 और 373 के तहत
14 साल की सजा सुनाई गई। बाजार चाहे कोई भी हो, वो खरीदारों के बिना नहीं चलता, और जिस्म फरोशी का बाजार भी अपने खरीदारों की वजह से ही जड़े जमाए हुए, और ऐसे बाजार में खरीदार भी हमारे समाज से ही, हमारे इर्द गिर्द से ही आते हैं। आए दिन पुलिस ऐसे रैकेट्स और गुनहगारों का पर्दाफाश करती है, लेकिन क्या ये जिम्मेदारी सिर्फ कानून की है? एक सजग नागरिक होने के नाते ये हमारा भी फर्ज बनता है कि हम ऐसे मामलों में सतर्क रहें, कम्युनिटी विजिलेंस के जरिए अपने इलाकों पर नजर रखें, और अगर किसी भी संदिग्ध आदमी के साथ किसी बच्चे या किसी महिला को देखें तो तुरंत पुलिस को इत्तला करें। किसी की भी गुमशुदगी को नजरअंदाज ना करें। ह्यूमन ट्रैफिकिंग एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है, और इसके नेटवर्क को तोड़कर ही इसे कमजोर किया जा सकता है। आज भी मोनी और रामदेवी सदमे में है। ये बेहद जरूरी है कि हम अपने समाज को महिलाओं के लिए पूरी तरह से सुरक्षित बनाएं। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं, फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में और खुलासा करेंगे एक और जुर्म का। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100 सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।